हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द टॉपिक सेल एंड ट्रेटा। ओके, तो इससे पहले हम कुछ टॉपिक आपके सेल मेम्ब्रेन, सेल बायोलॉजी और प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करते हैं सेल एंड ट्रेटा। दैट इज़ अगेन आपका जो नॉन कॉर्डेट वाला टॉपिक है, नॉन कॉर्डेट वाली जो सिलेबस है उसका यूनिट सेकेंड का ये टॉपिक है सेल एंड ट्रेटा के एमसीक्यूज। ओके, तो लेट स्टार्ट द एमसीक्यूज। सीलेंट ट्रेट्स डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग। सीलेंट ट्रेट्स दूसरे एनिमल्स से किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास स्केलेटन, नेमाटोसिस या पॉलीमॉर्फिज्म या बायलिटरल सिमेट्री क्या पाई जाती हैं अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में। ओके, विच आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, इनमें से कौन से रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ईजी आंसर है इसका, सीलेंट ट्रेट्स, इकाइनोडोमेटा, बोथ या नन। तो आंसर है सीलेंट्रेट डिफर करते हैं दूसरे एनिमल्स से क्योंकि इनके पास नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो डिफेंस के लिए काम करते हैं। और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं सीलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा दोनों ही। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीलेंट्रेट, इनमें से कौन सा सीलेंट्रेट नहीं है। सिल्वरफिश, जेलीफिश, सी एनिमोन या फाइसेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है, सीलेंट्रेट हैज़ अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेट्स के पास किस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू या सेलुलर। तो आंसर है इनमें से जेलीफिश, सी एनिमोन और फाइसीलिया तीनों सीलेंट्रेट हैं, जबकि सिल्वरफिश सीलेंट्रेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, फाइलम सीलेंट्रेटा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का पाया जाता है। नेक्स्ट, सीलेंट्रेट्स आर कैरेक्टराइज बाय, इनमें से सीलेंट्रेट्स किस स्पेसिफिक फीचर्स से कैरेक्टराइज होते हैं। स्केलेटन, स्टिंगिंग सेल्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन या एक्वाटिक हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेट, इनमें से सीलेंट्रेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मराइन हैबिटेट, टेंटिकल्स अराउंड द माउथ, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या नन ऑफ दीज। तो आंसर है सीलेंट्रेट के पास स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास एक स्पेसिफिक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, मेटाजेनेसिस अकर्स इन, मेटाजेनेसिस किस में पाया जाएगा, हाइड्रा में, ओबेलिया में, ऑरेलिया में या फिर ट्यूबीपोरा में, किस में पाया जाएगा। दूसरा है, मीजोग्लोया इज प्रेजेंट इन फाइलम, मीजोग्लोया किस फाइलम में पाया जाता है, हाइड्रोजोआ, पोरीफेरा, एनेलिडा या सीलेंट्रेटा। फाइलम, ध्यान में रखेंगे फाइलम। ओके, आंसर है मेटाजेनेसिस ओबेलिया में देखी जाती है और मीजोग्लोया प्रेजेंट होता है सीलेंट्रेटा में। ओके, नेक्स्ट है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज, इनमें से पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसे कहते हैं, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइसेलिया या प्लेटिपस। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ डेक्टाइलोजोइड इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, डेक्टाइलोजोइड का क्या काम होता है पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी में। ओके, ऑफेंस या डिफेंस का या फिर न्यूट्रिशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन, किसका होता है। तो आंसर है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर तो हुआ फाइसेलिया और फंक्शन ऑफ डेक्टाइलोजोइड होता है ऑफेंस और डिफेंस का, ठीक है, प्रतिरक्षा का काम ये करेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज, आ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्या है, कोरल है, सी एनिमोन है, पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है या फिर सीडेंट्री सीलेंट्रेट है, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टैटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टैटोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, पैरामीशियम में, ओबीलिया में, अर्थवॉर्म में या कॉकरोचेज में, किस में पाए जाएंगे। आंसर है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर पॉलीमॉर्फिक सीलेंट्रेट है और स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं ओबीलिया में। ओके, नेक्स्ट है, मेड्यूसा रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फाउंड इन, मेड्यूसा रिप्रोडक्टिव स्टेज किस में पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिस पढ़ा था हमने, पता होगा आपको, हाइड्रा में, स्टारफिश में, ओबीलिया में या सी एनिमोन में। नेक्स्ट है, गोनैड्स ऑफ ओबीलिया अकर, गोनैड्स ऑफ ओबीलिया कहाँ पाए जाते हैं, इन हाइड्रुला स्टेज या फिर इन बेसिस ऑफ टेंटिकल्स ऑफ मेड्यूसा या फिर इन ब्लास्टोसिस या इन रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा, किस में पाए जाते हैं गोनैड्स ऑफ ओबीलिया, ओबीलिया के गोनैड्स किस में पाए जाएंगे। तो आंसर है मेड्यूसा रिप्रोडक्टिव स्टेज पाई जाती है ओबीलिया में, ठीक है, और गोनैड्स होते हैं जो ओबीलिया के, वो रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ओबीलिया बिलोंग्स टू क्लास, ओबीलिया किस क्लास को बिलोंग करती है, सिफोनोफोरा, हाइड्रोजोआ, सीलेंट्रेटा या ए सिलोमेटा। नेक्स्ट है, इन सीलेंट्रेट्स लार्वा इज, लार्वा किस तरीके का होता है सीलेंट्रेट्स में, ऑनकोस्फेयर,
सिस्टिस आंसर है ओबिलिया पाया जाता है हाइड्रोजोआ क्लास में और सिलेंट्रेट का लार्वा प्लैन्यूला होता है. ओके नेक्स्ट है स्काइफोजोआ आर कैरेक्टराइज्ड बाय. स्काइफोजोआ किससे कैरेक्टराइज्ड होते हैं, उनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. थिन मीजोग्लोया, थिक मीजोग्लोया, एब्सेंस ऑफ माउथ या डोमिनेंट पॉलीप्लॉइड स्टेज. ठीक है नेक्स्ट है विच वन हैज़ नो स्केलेटन. इनमें से किसके पास कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता है, स्टारफिश, जेलीफिश, स्पंज या बटरफ्लाई. तो आंसर है स्काइफोजोआ कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट पॉलीप्लॉइड स्टेज. ठीक है पॉलिप्स की स्टेज इसमें डोमिनेंसी में पाई जाती है और इसमें से जिसके पास स्केलेटन नहीं होता है वो है जेलीफिश. ओके विच वन इज बायोल्यूमिनेसेंट. इनमें से बायोल्यूमिनेसेंट क्या है, कौन सा एनिमल चमकता है. ठीक है कटलफिश, फाइसेलिया, जेलीफिश या ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ स्काइफोजोआ. स्काइफोजोआ का एग्जांपल क्या है, ठीक है कैटफिश, जेलीफिश, सिल्वरफिश या कटलफिश. तो आंसर है चमकने वाला इसमें जेलीफिश होता है, जेलीफिश चमकती है और जो स्काइफोजोआ है वो उसका एग्जाम्पल जेलीफिश ही है. ओके नेक्स्ट है स्काइफोजोन मेड्यूसी आर कॉमनली नोन एज. स्काइफोजोन का जो मेड्यूसा है उसे हम कॉमनली क्या कहते हैं. ठीक है आपका सी एनिमल्स, कोरल्स, हाइड्रा या जेलीफिशेस. ठीक है आपका अच्छा ध्यान रखेंगे स्काइफोजोआ कॉमनली किसमें पाया जा रहा है, क्वेश्चन ये होना चाहिए सी एनिमल्स, कोरल्स, हाइड्रा या जेलीफिशेस. नेक्स्ट है इफायरा इज लार्वा ऑफ. इफायरा लार्वा किसका है, ओबिलिया का, सी एनिमल का, कोरल का या ओरिलिया का. तो आंसर है स्काइफोजोन का मेड्यूसा पाया जाता है जेलीफिशेस में और इफायरा लार्वा आपके ओरिलिया में पाया जाता है. ठीक है ओरिलिया जिसे हम जेलीफिश कहते हैं. नेक्स्ट है टेंटेक्यूलोसिस्ट इन जेलीफिशेस हेल्प इन. इनमें से टेंटेक्यूलोसिस्ट जो जेलीफिशेस में पाए जाते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, फोटो रिसेप्शन के लिए, कीमो रिसेप्शन के लिए, बैलेंसिंग के लिए या ऑल ऑफ अबव. ओके जेनरिक नेम ऑफ जेलीफिशेस इज. जेलीफिश का जेनरिक नेम क्या है, गॉर्गोनिया, फाइसेलिया, पेनाट्यूला या ओरेलिया. तो आंसर है टेंटेक्यूलोसिस्ट पाए जाते हैं आपके जेलीफिशेस में, वो बैलेंस करते हैं जेलीफिश को, बैलेंसिंग के लिए हेल्प करते हैं और जेनरिक नेम है जेलीफिश का ओरेलिया. नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज अ निडेरियन. इनमें से कौन सा एक निडेरियन है, सी अर्चिन, सी हॉर्स, सी एनिमोन या सी क्यूकुम्बर. नेक्स्ट है जी जेनरिक नेम ऑफ सी फर, ओबिलिया, एंटीडॉन या क्लियोना या फिर पेनेट्यूला. तो आंसर है निडेरियन इनमें से सी एनिमोन है और जेनरिक नेम है सी फर का ओबिलिया. ओके नेक्स्ट है सी एनिमोन बिलोंग्स टू क्लास. सी एनिमोन किस क्लास को बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ या स्काइफोजोआ. ठीक है नेक्स्ट है ऑर्गन पाइप कोरल इज. ऑर्गन पाइप कोरल क्या है, फंजिया, ट्यूबिपोरा, एस्ट्रिया या हेलीपोरा क्या है. आंसर है सी एनिमोन एंथोजोआ को बिलोंग करता है जिसमें कलरफुल इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं और ऑर्गन पाइप जो कोरल है वो आपका ट्यूबिपोरा कहलाता है. नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल. जो रेड कोरल जिसे हम बोलते हैं या फिर मूंगा जिसे हम कहते हैं लाल रंग का, वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फंजिया, ट्यूबिपोरा म्यूजिका, वेनिला या कोरेलियम रूब्रम. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बाई रेडियल सिमेट्री. इनमें से किसकी बाई रेडियल सिमेट्री है, जेलीफिश, पैरामीशियम, कॉकरोच या सी एनिमल. तो आंसर है मूंगा या रेड कोरल बोलते हैं हम कोरेलियम रूब्रम को. ठीक है और बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी सी एनिमल में. नेक्स्ट है कोरल्स बिलोंग्स टू फाइलम. कोरल किस फाइलम में आते हैं, पोरिफेरा, निडेरिया, एनलिडा या मोलस्का. नेक्स्ट पॉइंट आउट अ नॉन पैरासाइट. इनमें से कौन सा एक नॉन पैरासाइट है उसका नाम बताना है, सी एनिमोन, मॉस्किटो, लीच या टेपवॉर्म. तो आंसर है कोरल निडेरियंस में आते हैं, निडेरियन की फाइलम में आते हैं और नॉन पैरासाइट है इनमें से सी एनिमोन. नेक्स्ट है मेडिसोइड स्टेज इज एब्सेंट इन. इनमें से किस में मेडिसोइड स्टेज नहीं पाई जाएगी, सी एनिमोन, हाइड्रा या फिर बोथ, दोनों में नहीं पाई जाएगी या फिर आपके दोनों में ही पाई जाएगी. ठीक है नेक्स्ट है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स इन. किस इंडिविजुअल में गैस्ट्रो, किस क्लास में आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, अलग अलग आपके कंपार्टमेंट्स या कमरों में डिवाइडेड होती है, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ या.
ठीक है, तो मेडिसॉइड स्टेज एब्सेंट होती है सी एनीमोन और हाइड्रा दोनों में, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपके कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है एंथोजोआ में, ठीक है। और मेडिसॉइड स्टेज का ध्यान रखना है, अधिकतर आपके जेलीफिशेस में मेडिसॉइड स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसॉइड स्टेज जिसमें भी आपके कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको कह रहे हैं, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट कोरल, जिसमें सॉफ्ट कोरल का एग्जांपल कौन सा है, ट्यूबिपोरा, मियंड्रिना, फंजिया या एल्साइनियम, ठीक है। नेक्स्ट है कोरल्स आर मोस्टली फाउंड इन वार्म पार्ट्स ऑफ, किसके गर्म भाग में आपके कोरल्स पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी या अरेबियन सी, ठीक है। आंसर है सॉफ्ट कोरल का एग्जांपल है एल्साइनियम, और कोरल्स जो वार्म पार्ट में पाए जाते हैं वो पैसिफिक ओशन में पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सी एनीमोन वॉज फाउंड ग्रोइंग ऑन गैस्ट्रोपोड शेल इनहैबिटेड बाय हर्मिट क्रैब, दिस टाइप ऑफ एनिमल एसोसिएशन इज, देखो हर्मिट क्रैब और जो सी एनीमोन के बीच में एक आपका रिश्ता होता है, तो आप अधिकतर क्या होता है जो हर्मिट क्रैब होता है उसके ऊपर उसके ऊपर आपका सी एनीमोन उसके शेल के ऊपर बैठा रहता है, ठीक है। और जहाँ वो जाता है उसके साथ साथ हर्मिट क्रैब के साथ साथ सी एनीमोन भी जाता है। इस तरीके के एनिमल एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस, कॉमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन या न्यूट्रलिज्म, ठीक है। मेडिसॉइड स्टेज इज कम्प्लीटली एबसेंट इन, किस में मेडिसॉइड स्टेज कम्प्लीटली एबसेंट होती है, मेट्रिडियम में, ओरिलिया में, ओबिलिया में या फिर राइजोस्टोमा में, किस में एबसेंट होती है कम्प्लीटली, ठीक है। आंसर है सी एनीमोन और आपके हर्मिट क्रैब के बीच में जो रिलेशन होता है वो कॉमेंसलिज्म का होता है, ठीक है। और मेडिसॉइड स्टेज कम्प्लीटली एबसेंट होती है मेट्रिडियम में, ठीक है। नेक्स्ट है कोरल आइलैंड विद सेंट्रल शैलो लेक इज़ नोन एज, कोरल आइलैंड जो जिसमें कि सेंट्रल बीच में एक शैलो लेक पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, लगून, अटॉल, कोरल रीफ या ऑल ऑफ अबव, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीफ्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। हाइड्रा इज, हाइड्रा क्या है, फ्रेश वाटर, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल या फिर मरीन, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल या फिर फ्रेश वाटर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल या फिर मरीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल, ठीक है। हाइड्रा इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है, आंसर है कोरल रीफ जिसमें सेंट्रल में शैलो लेक पाई जाएगी वो आपके लगून, एटॉल और कोरल रीफ तीनों ही आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। और हाइड्रा आपके फ्रेश वाटर, डिप्लोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल इंडिविजुअल्स होते हैं। नेक्स्ट है विच वन लिव्स इन फ्रेश वाटर, इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर में रहता है, ओबिलिया, हाइड्रा, जेलीफिश या पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जैसे फाइसेलिया भी कह रहे हैं। विच वन हैज़ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा, हाइड्रा, स्टारफिश, लिवर फ्लूक या स्पंजेस, तो आंसर है इनमें से जो फ्रेश वाटर में रहता है वो है हाइड्रा, और इनमें जिसमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा वो भी हाइड्रा है। नेक्स्ट है हाइड्रा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मेड्यूसा, पॉलिप, गैस्ट्रोजोइड या गोनोजोइड। नेक्स्ट है एन एनिमल विद डिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल इज, ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियली सिमेट्रिकल है, एस्कैरिस, स्पंजिला, फेरिथिमा या मियंड्रिना, तो आंसर है हाइड्रा जिसमें सबसे छोटा आपका एग्जाम्पल है पॉलिप का, ठीक है। हाइड्रा एक पॉलिप है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, मेड्यूसा आपका कप जैसा दिखाई देता है और पॉलिप आपका इलोंगेटेड आपके बड जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है एनिमल जिसमें डिप्लोब्लास्टिक और रेडियली सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी वो है मियंड्रिना इनमें से। नेक्स्ट हाइड्रा इज फाउंड ऑन, हाइड्रा किस में पाया जाता है, रनिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर या एस्चुरीन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होगा ऐसा एसोसिएशन कौन किसका होगा, हाइड्रा वाटर फ्लियाज, जू क्लोरेली और हाइड्रा अर्थवॉर्म एंड फार्मर, हनी बी एंड मैन, तो आंसर है हाइड्रा स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है और जो एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स को बेनिफिट होता है, दो एनिमल्स साथ में रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है ऐसा जू क्लोरेली और हाइड्रा के बीच में दिखाई देता है। नेक्स्ट है जू क्लोरेली इज अ मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल ऑफ हाइड्रा लिव एज,
जू क्लोरेली क्या है? मस्क्यूलो न्यूट्रेटिव सेल्स हैं हाइड्रा के, जो रहते हैं किस तरीके से, प्रिडेटर्स के फॉर्म में, पैरासाइट्स के फॉर्म में, कॉमेंसल्स के फॉर्म में, या सिम्बायोंट्स के फॉर्म में, ठीक है? जू क्लोरेला क्या है? सिम्बायोंट इन अ गट ऑफ हाइड्रा, इंट्रा सेलुलर सिम्बायोंट इन हाइड्रा, सिम्बायोंट इन गट ऑफ कॉकरोच, या फिर इंट्रा सेलुलर सिम्बायोंट इन ल्यूकोसोलिनिया. ओके, तो आंसर है जू क्लोरेली इन मस्क्यूलो न्यूट्रेटिव सेल्स ऑफ हाइड्रा. जो हाइड्रा के मस्क्यूलो न्यूट्रेटिव सेल्स में जो जू क्लोरेली रहती है, उनके बीच में सिम्बायोंट्स रिलेशनशिप पाई जाएगी, ठीक है ना? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में? जू क्लोरेली और हाइड्रा के बीच में. और जू क्लोरेली आपका इंट्रा सेलुलर सिम्बायोंट है, हाइड्रा के मस्क्यूलो न्यूट्रेटिव सेल्स में रहता है. नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मायोनीम्स इन मसल टेल ऑफ एपीथीलियो मस्क्यूलर सेल्स. कितने नंबर ऑफ मायोनीम्स पाए जाते हैं मसल टेल ऑफ एपीथीलियो मसल मस्क्यूलर सेल्स में, ठीक है? आपने सेल बायोलॉजी में मायोनीम्स पढ़े होंगे स्ट्रक्चर्स में. तो 8 हैं, 4 हैं, 9 हैं, या 2 हैं, कितने हैं? नेक्स्ट, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी इन लेंथ विद ऑफ, ठीक है? हाइड्रा अपनी बॉडी को अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा या बड़ा कर लेता है, उसे हम देखते हैं अधिकतर हाइड्रा के केसेस में. तो ये किसकी वजह से होता है, ठीक है? टेंटिकल्स की वजह से, नीडोसाइट्स की वजह से, एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स की वजह से, या फिर इंटरस्टीशियल सेल्स की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है? तो आंसर है द नंबर ऑफ मायोनीम्स इन मसल टेल ऑफ एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स आर 2. दो मायोनीम्स पाए जाएंगे मसल टेल पे एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स की. और हाइड्रा अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके आपका सिकोड़ लेता है, और ये आपका होता है एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स के कारण, ठीक है? नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा बट नॉट इन इट्स एंडोडर्म. देखो, एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा में एक पेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन एंडोडर्म में नहीं पाए जाते. वो कौन से पेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है? एपिडर्मिस बाहरी कवच में जो पाए जाएंगे. स्टिंगिंग सेल्स, ग्लैंड सेल्स, या फिर स्टिंगिंग सेल्स एंड जर्म सेल्स, या फिर ग्लैंड सेल्स एंड जर्म सेल्स, या फिर स्टिंगिंग सेल्स एंड इंटरस्टीशियल सेल्स. नेक्स्ट है, टोटिपोटेंट सेल्स इन हाइड्रा आर, जिन जिन सेल्स के पास टोटल पोटेंशियलिटी है कि वो बॉडी के कोई भी सेल बना सकते हैं, वो हाइड्रा के पास पाए जाते हैं. वो क्या हैं, ठीक है? जर्म मदर सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, न्यूट्रेटिव सेल्स, या इंटरस्टीशियल सेल्स, क्या है? तो आंसर है पेयर ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा बट नॉट इन इट्स एंडोडर्म इज आर पेयर ऑफ स्टिंगिंग सेल्स एंड जर्म सेल्स, ठीक है? एंड द टोटिपोटेंट सेल्स इन हाइड्रा आर इंटरस्टीशियल सेल्स. नेक्स्ट है, बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा फॉर्म्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है? एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, या फिर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है? हाइड्रा की जो बॉडी वॉल है वो किस टिश्यू से बनती है, किस तरीके के सेल से बनेगी? नेक्स्ट है, सेल्स ऑफ हाइड्रा पजेसिंग फ्लैजिला एंड ऑल्सो फॉर्म स्यूडोपोडिया. कौन से सेल्स हैं हाइड्रा के जो फ्लैजिला भी होता है जिनमें, और जो आपके स्यूडोपोडिया भी जिनमें प्रेजेंट होता है? एपिथीलियो न्यूट्रेटिव सेल्स, एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स, या सेंसरी सेल्स? आंसर है, बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा फॉर्म्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है? एंडोडर्म और एक्टोडर्म से मिलके हाइड्रा की बॉडी वॉल बनी होती है. नेक्स्ट है, सेल्स ऑफ हाइड्रा पजेसिंग फ्लैजिला तो और साथ साथ में स्यूडोपोडिया, तो वो है आपके एपिथीलियो न्यूट्रेटिव सेल्स. नेक्स्ट है, सेल्स ऑफ हाइड्रा विच ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल अदर सेल टाइप्स. कौन से सेल है हाइड्रा के जो ट्रांसफॉर्म होकर कोई भी सेल बना सकते हैं, यानी कि टोटिपोटेंट नेचर के हैं? नीडोब्लास्ट, नर्व सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल, या एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स, ठीक है? विच वन ऑफ द सेल्स आर एब्सेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा. इनमें से कौन से सेल्स एब्सेंट हैं गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा में, ठीक है? स्टिंगिंग सेल, नर्व सेल, न्यूट्रेटिव मस्क्यूलर सेल्स, या फिर ग्लैंड सेल्स? तो आंसर है, जो सेल ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं किसी भी तरीके के सेल्स में हाइड्रा में, वो है इंटरस्टीशियल सेल्स. और जो सेल्स एब्सेंट होते हैं गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा में, वो है स्टिंगिंग सेल्स. नेक्स्ट है, मायोफाइब्रिल्स ऑफ हाइड्रा आर. मायोफाइब्रिल्स जो है हाइड्रा के, वो क्या हैं? ऑल स्ट्राइटेड, सारे धारी नुमा है, ऑल स्मूथ, सम स्ट्राइटेड एंड सम स्मूथ, नन ऑफ दीज, ठीक है? नेक्स्ट है, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा. जो गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा है उसके सेलुलर कॉम्पोनेंट्स या सेलुलर जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना? क्या कहलाएंगे यहाँ पे? इंटरस्टीशियल सेल्स, निमेटोसिस्ट, ग्लैंड सेल्स, या न्यूट्रेटिव मस्क्यूलर सेल्स? तो आंसर है, मायोफाइब्रिल्स ऑफ हाइड्रा आर ऑल स्मूथ, सारे स्मूथ टाइप के मायोफाइब्रिल्स पाए जाएंगे हाइड्रा में.
ठीक है ना, और मसल फाइबर्स जिन्हें हम कह रहे हैं। नेक्स्ट है जो गैस्ट्रोडर्मिस है हाइड्रा की, वो बनी हुई होती है न्यूट्रिटिव मस्क्यूलर सेल से। नेक्स्ट है सेल्स फ्रॉम नीडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा आर डिराइव्ड फ्रॉम, जो आपके नीडोब्लास्ट हैं वो किससे डिराइव होते हैं, या जो नीडोब्लास्ट से निकलते हैं जो सेल्स हाइड्रा में, वो किससे डिराइव होते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स, नर्व सेल्स, सेंसरी सेल्स या एपिथीलियो मास्क्यूलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइजन फाउंड इन द नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, जो पॉइजन पाया जाता है नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा में वो क्या है, थ्रोम्बिन, हीमोजोइन, हिप्नोटॉक्सिन या हिपेरिन। ठीक है, तो आंसर है जो आपके नीडोब्लास्ट हैं वो डिराइव होते हैं इंटेस्टिशियल सेल से, और जो पॉइजन पाया जाएगा नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा में वो है हिप्नोटॉक्सिन। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ नेमेटोसिस्ट डिपेंड्स ऑन, आपका नेमेटोसिस्ट का डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेमेटोसिस्ट से जो पॉइजन निकल रहा है वो उसका डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन, विटामिंस, एंजाइम्स या मिनरल्स। नेक्स्ट है ऑन स्टिमुलेशन नेमेटोसिस्ट शूट आउट विद इन, नेमेटोसिस्ट जो है वो शूट आउट होते हैं स्टिमुलेशन पे कितनी देर में, ठीक है ना, कितनी देर में वो आपके नेमेटोसिस्ट शूट आउट करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4 से 5 सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में, 0.3 से 0.5 सेकेंड में या फिर नन ऑफ अबव। तो आंसर है जो डिस्चार्ज होता है नेमेटोसिस्ट का वो डिपेंड करता है एंजाइम्स के ऊपर, और नेमेटोसिस्ट से जो आपका डिस्चार्ज रिलीज होता है उसे शूट आउट होने में टाइम लगता है 0.3 से 0.5 सेकेंड। तो एक बार स्टिमुलस मिल गया तो 0.3 से 0.5 सेकेंड में डिस्चार्ज ऑफ पॉइजन हो जाएगा नेमेटोसिस्ट से। नेक्स्ट है नीडल लाइक प्रोसेस ऑफ नीडोसाइट इज कॉल्ड, जो नीडल लाइक प्रोसेस होती है नीडोसाइट सेल्स में जो पाई जाती है वो क्या कहलाएगी, ट्राइकोसिस्ट, नीडोसिल, नेमेटोसिस्ट या लेजो। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, वॉल्वेंट, पेनिट्रेंट, एट्रिकस आइसोरिचा या फिर होलोट्रिकस आइसोरिजा। तो आंसर है नीडल लाइक प्रोसेस ऑफ नीडोसाइट इज नीडोसिल, जो नीडल लाइक प्रोसेस होती है नीडोसाइट सेल्स में वो नीडोसिल कहलाएगी, और सबसे लंबा आपका, सबसे बड़ा आपका नेमेटोसिस्ट जो हाइड्रा में पाया जाता है वो पेनिट्रेंट टाइप का होगा। नेक्स्ट है नेमेटोसिस्ट अकर इन, नेमेटोसिस्ट कैसे कहाँ पाए जाएंगे, एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स में, एक्टोसार्क में, एंडोसार्क या नीडोसाइट्स में। नेक्स्ट है विच एक्शन ऑफ हाइड्रा विल बी मोस्ट हिंडर्ड इफ देयर वर नो नेमेटोसिस्ट इन इट, ठीक है, कौन सा आपका एक्शन हाइड्रा का सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा अगर उनमें कोई भी नेमेटोसिस्ट नहीं होगा, ठीक है, लोकोमोशन, फूड कैप्चर, इंजेशन या डाइजेशन। तो आंसर है नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं नीडोसाइट्स में, और अगर सारे के सारे आपके नीडोसाइट्स हटा दिए जाएं तो फूड कैप्चरिंग का जो परफॉर्मेंस है हाइड्रा का वो हिंडर्ड हो जाएगा, उसमें अवरोध आ जाएगा। नेक्स्ट है पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट्स और ग्लूटिनेंट्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, पेनिट्रेंट्स, वॉल्वेंट्स और ग्लूटिनेंट्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेजेस हैं स्कैरिस की, या फिर नेमेटोसिस्ट है हाइड्रा की, या फिर माउथ पार्ट है मॉस्किटोज के, या फिर स्पर्मेटोजोआ है रैबिट के, क्या है, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस फ्लूड प्रोड्यूस्ड बाय स्कैरिस, आंट्स, पैरासिटिक प्रोटोजोआ या नेमेटोसिस्ट। तो आंसर है पेनिट्रेंट्स, वॉल्वेंट्स और ग्लूटिनेंट्स आपके नेमेटोसिस्ट है हाइड्रा के, ठीक है, अलग अलग तरीके के नेमेटोसिस्ट हैं पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट्स और ग्लूटिनेंट्स, और हिप्नोटॉक्सिन जो पॉइजनस फ्लूड रिलीज होता है नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा से। नेक्स्ट है पेनिट्रेंट्स एंड स्टीनोटील्स आर नेम्स ऑफ, पेनिट्रेंट और स्टीनोटील्स क्या है, किसके नाम है ऑफ नेमेटोसिस्ट किस हाइड्रा में जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, पेनिट्रेंट्स आर स्मॉलर, पेनिट्रेंट्स आर लार्जर, बोथ आर द सेम, स्टेनोटील्स आर नॉट फाउंड इन हाइड्रा, क्या है इनमें से सही ये बताना है। नेक्स्ट है नेमेटोसिस्ट टेक्स प्लेस इन, नेमेटोसिस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे या फिर क्या काम करेंगे, ठीक है, लोकोमोशन, ऑफेंस, डिफेंस या फूड कैप्चर या ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है पेनिट्रेंट्स और स्टीनोटील्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो पेनिट्रेंट्स आपके स्मॉलर और जो पेनिट्रेंट्स और स्टीनोटील्स हैं वो दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, एक जैसे कार्य करेंगे, ठीक है, और वही नेमेटोसिस जो पाए जाते हैं वो आपके लोकोमोशन, ऑफेंस, डिफेंस और फूड कैप्चर तीनों में ही फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट कॉमन बिटवीन द ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम एंड नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, अटैचमेंट इन डिफेंस, डिफेंस ओनली, सेंसिटिविटी, फूड कैप्चरिंग।
नेक्स्ट है नेमाटोसिस्ट आर द पार्ट्स ऑफ नेमाटोसिस्ट किसके पार्ट है स्पेशल सेल बेसल डिस्क न्यूट्रोटिव सेल्स या फिर यूज्ड अगेन एंड अगेन आंसर है जो कॉमन होता है ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम और नेमाटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा में वो है अटैचमेंट एंड डिफेंस ओके और नेमाटोसिस्ट पार्ट है स्पेशल सेल्स का ठीक है स्पेशल सेल्स के वे में नेमाटोसिस्ट काम करते हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट है नेमाटोसिस्ट आर एक्टिवेटेड बाय नेमाटोसिस्ट किसके द्वारा एक्टिवेट होते हैं उत्तेजना किसके द्वारा पाते हैं नेमाटोसिस्ट टच वाटर ब्रेन या स्पीड ठीक है नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द नीडोब्लास्ट प्रोजेक्ट आउट ऑफ बॉडी सरफेस ठीक है किस पार्ट कौन सा पार्ट है नीडोब्लास्ट का जो प्रोजेक्ट आउट होता है बॉडी सरफेस पे स्टाइलेट नीडोसिल लासो या बट आंसर है नेमाटोसिस्ट एक्टिवेट होते हैं टच के द्वारा और नीडोब्लास्ट का जो पार्ट बॉडी से बाहर दिखाई देता है वो है नीडोसिल नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं बंच एग्रीगेशन क्लोन या फिर बैटरी ठीक है नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नेमाटोसिस्ट इन हाइड्रा आर वॉल्वेंट्स पेनिट्रेंट्स ग्लूटिनेंट्स या ऑल ऑफ अबव तो आंसर है ग्रुप ऑफ नीडोब्लास्ट आर कॉल्ड एज बैटरी व्हाइल द स्मॉलेस्ट नेमाटोसिस्ट इन हाइड्रा आर वॉल्वेंट्स नेक्स्ट है इन हाइड्रा डिस्चार्ज नेमाटोसिस्ट आर रिप्लेस्ड विद इन 24 आवर 36 आवर 48 आवर या 72 आवर ठीक है नेक्स्ट है हिप्नोटॉक्सिन इन हाइड्रा इज केमिकली हिप्नोटॉक्सिन जो हाइड्रा में पाया जाता है वो किस तरीके का केमिकल है स्टेरॉयड है प्रोटीन या एस्कॉर्बिक एसिड का मिक्सचर है प्रोटीन और फिनॉल का मिक्सचर है या फिर प्रोटीन और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर है तो आंसर है हाइड्रा डिस्चार्ज करता है नेमाटोसिस्ट जो रिप्लेस होता है विद इन 48 आवर्स ठीक है और हिप्नोटॉक्सिन जो हाइड्रा में पाया जाता है वो केमिकली प्रोटीन और फिनॉल का मिक्सचर है नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स ऑफ हाइड्रा आर ठीक है हाइड्रा के इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स क्या हैं नर्व सेल्स सेंसरी सेल्स नेमाटोसिस या ग्लैंड सेल्स नेक्स्ट है लोकोमोशन इज नॉट कनेक्टेड विद मेटिंग इन स्पंज हाइड्रा कॉकरोच या लीच तो आंसर है इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स हैं हाइड्रा के नेमाटोसिस्ट और लोकोमोशन आपके हाइड्रा में नहीं पाया जाएगा नेक्स्ट है हाइड्रा समटाइम्स मूव अपॉन इट्स टेंटिकल्स यूजिंग देम एज लेग्स दिस इज नोन एज कभी कभी हम देखते हैं कि हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को मूव करता है और उसको लेग्स की तरह यूज करता है उसे हम क्या कहेंगे ठीक है लूपिंग ग्लाइडिंग वॉकिंग या सोमासॉल्टिंग नेक्स्ट है मूवमेंट शोन बाय हाइड्रा तो या क्या है उसे हम क्या कहेंगे लूपिंग रिगलिंग अमीबॉइड या फ्लैजुलर ठीक है तो आंसर है हाइड्रा समटाइम्स मूव अपॉन इट्स टेंटिकल्स यूजिंग देम एज लेग्स दिस इज नोन एज लूपिंग ठीक है कई बारी हाइड्रा अपने टेंटिकल से मूव करता है और टेंटिकल्स को लेग्स की तरह यूज करता है इस फिनोमेना को हम लूपिंग कहते हैं और मूवमेंट जो हाइड्रा के द्वारा शो किया जाता है उसे लूपिंग कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट है व्हेन हाइड्रा वांट टू मूव फास्ट इट परफॉर्म्स लूपिंग रनिंग समरसॉल्टिंग या वॉकिंग ठीक है द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा इज बैक्टीरिया फिशेस वाटर फ्लीज या फिर फ्रॉग टैडपोल्स तो आंसर है जब हाइड्रा तेज तेज चलता है तो उस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं समरसॉल्टिंग ऑफ हाइड्रा और जो फेवरेट फूड है हाइड्रा का वो है वाटर फ्लियाज नेक्स्ट है हाइड्रा रिकॉग्नाइजेस इट्स प्रे बाय स्पेशल ऑर्गन्स नेमाटोसिस्ट मैकेनिकल स्टिमुलस ऑफ प्रे या फिर केमिकल स्टिमुलस सिक्रीटेड बाय प्रे नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड इन हाइड्रा इज डाइजेशन ऑफ फूड जो हाइड्रा में दिखाई देता है वो किस तरीके का है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर फर्स्ट इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर या फिर नन ऑफ दीज आंसर है हाइड्रा अपने प्रे को पहचानता है अपने शिकार को पहचानता है द केमिकल स्टिमुलस सिक्रीटेड बाय द प्रे ठीक है और डाइजेशन ऑफ फूड इन हाइड्रा इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर नेक्स्ट है हाइड्रा इजेस्ट अनडाइजेस्टिबल रेजिड्यू ऑफ फूड थ्रू एबोरल पोर या फिर इजेस्ट अनडाइजेस्टिबल रेजिड्यू ऑफ फूड थ्रू माउथ या डाइजेस्ट एंटायर फूड या फिर डज नॉट इजेस्ट एनी रेजिड्यू ऑफ फूड ठीक है नेक्स्ट है गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स या फिर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन्स फैट्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स तो
तो आंसर है हाइड्रा इज जस्ट अनडाइजेस्टेबल रेजिड्यू ऑफ फूड थ्रू माउथ. ठीक है, अपना अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो होता है फूड का, हाइड्रा उसे इजेस्ट करता है अपने माउथ से. ठीक है, इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना, इजेशन मतलब बाहर छोड़ना. ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रोडर्मिस ऑफ हाइड्रा टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स फैट्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट है इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इन टू पीसेस हाइड्रा विल अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एवरी फ्रेगमेंट विल ग्रो इन टू कम्प्लीट हाइड्रा. सम फ्रेगमेंट्स विल फॉर्म कम्प्लीट हाइड्रा और हाइड्रा विल डाई. ठीक है, व्हाट विल हैपन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलेंट रेट. इनमें से कौन सा एक सीलेंट रेट है, सी लिली, सी पेन, सी फेदर या सी माउस. तो आंसर है हाइड्रा को पीसेस में अगर तोड़ दिया जाए तो वो उसका हर एक सेगमेंट एक कंप्लीट हाइड्रा बना लेगा, जिसे रीजनरेशन कहते हैं. और सीलेंट रेट इनमें से है सी पेन. तो आप मुझे बताएंगे सी लिली, सी फेदर, सी माउस क्या है. ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीलेंट रेट. सी, इसमें से कौन सा सीलेंट रेट नहीं है. और रेडियल सिमेट्रिकल यूजुअली एसोसिएटेड विद एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ, सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ, लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. किससे रेडियल सिमेट्री एसोसिएट होती है. तो आंसर है इनमें से जो सीलेंट रेट नहीं है वो है सी लिली, और रेडियल सिमेट्री एसोसिएट नहीं होती है, सॉरी होती है सीडेंट्री मोड ऑफ लाइफ से. नेक्स्ट है क्लास ऑफ सीलेंट्रेट विच एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्लास सीलेंट्रेट की जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाएगी. ठीक है, और नेक्स्ट वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया. ओबेलिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नियोटेनी, मेटाजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस. तो आंसर है सीलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है हाइड्रोजोआ में, और ओबेलिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म है दैट इज मेटाजेनेसिस. नेक्स्ट है माउथ ऑफ हाइड्रा इज ओपन बाय केमिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटाथायोन या गुआनिन. ठीक है, विच वन इज नॉट अ कोरल रीफ, इनमें से कौन सा एक कोरल रीफ नहीं है, एट ऑल, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ या लगून. ठीक है, तो आंसर है माउथ ऑफ हाइड्रा इज ओपन बाय अ केमिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूटाथायोन एंड द वन दैट इज नॉट अ कोरल रीफ इज लगून. ठीक है, तो बाकी तीन कोरल रीफ है, लगून कोरल रीफ नहीं है. नेक्स्ट है हाइड्रा कैप्चर्स विक्टिम बाय इंजेक्टिंग केमिकल, कैनियोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन, टॉक्सोप्लाज्मिन या सेराफोटॉक्सिन. नेक्स्ट है पॉलीफेज एब्सेंट इन, पॉलीफेज किस में एब्सेंट होती है, ऑरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया या फाइसीडिया. तो आंसर है हाइड्रा अपने विक्टिम पे इंजेक्ट करता है केमिकल दैट इज हिप्नोटॉक्सिन, और पॉलीफेज पाई जाती है आपकी हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसीडिया में, जबकि ऑरेलिया में नहीं पाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट लगून रिफर्स, लगून किस से संबंधित है या लगून को क्या कहेंगे, अ फुल मून, हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ या सी ब्रेकिंग इनटू लैंड एंड देन सेपरेटेड बाय लैंड ड्यून्स या फिर अ स्पॉट इन अ डेजर्ट मेड फर्टाइल बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, नेक्स्ट है सीलेंट्रेट्स डिफर बाय अदर एनिमल्स इन हैविंग, सीलेंट्रेट दूसरे एनिमल से किस तरीके से भिन्न होते हैं, स्केलेटन, नेमेटोसिस्ट, पॉलीमॉर्फिस या बायलेटरल सिमेट्री. तो लगून एक सी ब्रेकिंग है, आपके लैंड और सी के बीच में एक ब्रेकिंग है और जो सेपरेट होती है सैंड ड्यून्स के थ्रू. और सीलेंट्रेट दूसरे एनिमल से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है नेमेटोसिस्ट फॉर्म्ड बाय, नेमेटोसिस्ट किसके द्वारा बनते हैं, ये इजी है आंसर, इसका पता होगा आपको. नेक्स्ट है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान इज शोन बाय, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किसके पास दिखाई देगा. तो आंसर है नेमेटोसिस्ट फॉर्म्ड बाय इंटरस्टीशियल सेल्स और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान दिखाई देता है सीलेंट्रेट्स में. नेक्स्ट है जेलीफिश क्लासिफाइड अंडर फाइलम, पोरिफेरा, मोलस्का, निडेरिया या इकाइनोडर्मेटा. नेक्स्ट है लार्वा ऑफ जेलीफिशेस क्या कहते हैं उन्हें, पॉलिप, एफायरा, मेड्यूसा या ब्लास्टुला. तो आंसर है जेलीफिश को फाइलम निडेरिया में रखा जाता है और लार्वा ऑफ जेलीफिश या जिसे ओरिले कह रहे हैं उसके लार्वा को हम एफायरा कहते हैं. नेक्स्ट है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किस में पाया जाएगा इनमें से और डायोशियस एनिमल कौन है इनमें से. ठीक है, तो आंसर है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है निडेरियंस में और डायोशियस एनिमल है ओरेलिया. तो दैट इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस.